कंगना रनौत के शो लॉकअप में प्रिंस नरूरा ने जब से एंट्री ली है तब से नोरा फतेही का नाम चर्चे में बना हुआ है। जहाँ शो में एक के बाद एक कंटेस्टेंट प्रिंस संग लड़ाई में नोरा फतेही का नाम घसीटते ही जा रहे हैं। पहले आजमा फल्ला ने नोरा का नाम लेकर प्रिंस को टारगेट किया था और ये कहा था कि नोरा फतेही ने प्रिंस नरूला को बिल्कुल भाव ही नहीं दिया। और अब शो में पायल भी प्रिंस संग लड़ाई के दौरान नोरा का नाम लेती हुई दिखाई दी है। सो और क्या क्या बातें और आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं इन दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स के बीच, सब जानने से पहले नमस्कार, मैं हूं रियेश मुराद, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पे, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज ऑल द वीडियोज दैट यू लाइक एंड लव उन्हें भी प्लीज शेयर करें, थैंक यू। दरअसल लड़ाई पहले पायल और शायशा शिंदे के बीच होती है, जहाँ पायल शायशा को बाहरी दुनिया में उनके बॉयफ्रेंड दैट इज संग्राम सिंह संग बॉन्डिंग बनाने पर उन्हें टॉन्ट मारती है, उनसे लड़ती हैं, जिस पर शायशा भी पायल को करारा जवाब देती है। जब शायशा और पायल की लड़ाई के दौरान प्रिंस नरूला भी संग्राम का नाम लेकर मजे लेते दिखाई देते हैं, जिस पर पायल भड़क जाती हैं और उन्होंने प्रिंस से कहा कि वो भी शो में किसी की सेटिंग की बदौलत ही आए हैं। जब पायल प्रिंस से कहती हैं कि तू क्यों इतना फटक रहा है, इस पर प्रिंस भी जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं संग्राम सिंह की सेटिंग से आया हूँ। आजमा फल्ला जो पूरी फाइट को देख रही होती है वो पायल को बताती है कि प्रिंस ने लड़ाई में संग्राम को घसीटा है। ये सुनकर पायल गुस्से से और भड़क जाती है और कहती है कि तू किसके सपोर्ट से आया है, नोरा फतेही के सपोर्ट से आया है, अब बोल। पायल की इस बात पर प्रिंस भी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तेरे तो एक्स गिन भी नहीं सकते हैं हम। जहाँ पायल इसके बाद गुस्से से प्रिंस की ओर बढ़ते हुए कहती है कि हाँ है मेरे इतने एक्स, तेरी क्यों इतनी जल रही है मेरे एक्स, उसके बावजूद 12 साल का रिलेशनशिप है, उखाड़ के दिखा जो उखाड़ सकता है। जब मैं आपको बता दूं कि प्रिंस नरूला और नोरा फतेही एक ही सीजन में बिग बॉस में नजर आए थे, शो में दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गई थी और वो ऑडियंस को साफ दिखा भी था। हालांकि दोनों के बीच कुछ चल नहीं सका और प्रिंस ने शो के बाद युविका चौधरी से शादी भी रचाई है। वेल, इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या टेक है, आप किसके साइड पर है, प्रिंस नरूला या पायल, आपको क्या लगता है कि इस पूरे सिचुएशन में किसका स्टैंड सही है? वेल, आई एम कंफ्यूज, यू डिसाइड। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग योर लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।